हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम लेसन पर। दोस्तों, तबला बजाने में एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि जो राइट हैंड है उसका मिडिल वाला फिंगर ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है या फिर जिनका रियाज नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर हम तिर किट इस तरीके से रियाज करते हैं। तो उसमें होता ये है कि हमारा जो बीच वाला फिंगर है, ये वाला फिंगर क्या होता है कि इसका काम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। बहुत सारे बोल ऐसे हैं जिनमें जाके ये बीच वाला उंगली का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो बोल हम बजा नहीं सकते हैं, उसमें हम जाके अटक जाते हैं। तो ऐसे मौके पर हमसे वो बोल नहीं बज पाते हैं। उसको क्लियर करने के लिए देखिए, सिंपल दो रियाज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन दोनों का करेंगे तो बिल्कुल आसानी से बहुत जल्दी आप इसको कवर कर लेंगे कि बीच वाला उंगली किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस में लाएंगे। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा रियाज ये है, इसी में मैंने आपको दो रियाज बताए हैं, एक और दूसरा इस तरीके से। अब देखिए इन दोनों रियाज को कैसे करेंगे और ये क्या बोल है ये आपको मैं बता देता हूं। सिंपल है बिल्कुल, ना ते टे ते ते टे तीन। अब जो ते पढ़ रहा है उसमें थोड़ा सा प्रेशर के साथ, ना ते टे ते ते टे तीन, ना ते टे ते ते टे ती न, है ना। इस तरीके से आपको बजाना है, ना ते टे ते 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 ती न। कितना सिंपल है आप समझ सकते हैं, ना ते टे ते ते टे ती न। अब यही बोल आपको कंटिन्यू बजाना है, किस तरीके से, ना ते टे ते ते टे ती न। इस तरीके से ना, इस तरीके से ना ते टे ना ते टे ते ते टे तीन, ना ते टे ते टे और फिर ते ते टे तीन। जितना हो सके ते पर प्रेशर देने की कोशिश कीजिए, कैसे, ना ते टे ते ते टे तीन, ना ते टे ते ते टे तीन। इस तरीके से ना ते टे ते ते टे तीन, ना ते टे ते ते टे तीन। इसी के साथ इसमें जोड़ दीजिए, ते 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 तीन, ते 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 तीन, ते 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 तीन, ते 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 तीन। देखिए ते 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 तीन। प्रेशर लाने के लिए आपको प्रेशर देना पड़ेगा, कैसे, जैसे मैं हर बार दे रहा हूं, ते 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 तीन, ते 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 तीन, ते 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 तीन तीन। इस तरीके से बजाओ, ती न तीन और ते 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 ते। देखिए ते 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 ते, है ना। तो ते 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 तीन, ते 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 तीन, ते 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 तीन, ना ते 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 तीन, ते 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 तीन, ना ते 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 तीन, ते 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 तीन। अब ये तो हो गया ना ते टे ते ते टे तीन। अभी इसके बाद जो एक और रियाज का बोल मैंने बताया था वो किस तरीके से, देखिए, ना ती ना ती ना ती ना ती ना ते टे ते ते टे तीन, ना ती ना ती ना ती ना ती ना ते टे ते ते टे तीन, ना ती ना ती ना ती ना ती ना ते टे ते ते टे तीन, ना ती ना ती ना ती ना ती ना ते टे ते ते टे तीन। ये जो है ये सिंपल है, इसके आगे मैंने क्या जोड़ दिया, सिर्फ नाती 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 नाती। ये आपको रियाज में लाना है और ये रियाज करना ही करना है, ये बहुत जरूरी है इसका रियाज करना। तो इस तरीके से आपको रियाज करना है, नाती 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 नाते टे 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 तीन, नाती 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 नाते टे 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 तीन। और ऐसे ही मेट्रोनोम के साथ
बिना मेट्रोनोम के नहीं करना है, तो कैसे करना है? ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई सारे बोल अटकते हैं, ये मैंने भी फेस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और जो नए मित्र आए हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स आपके पास तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।